टाइगर जिंदा है। जी हाँ, और बिल्कुल जिंदा है। भले ही सलमान खान टाइगर 3 लेकर कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, भले ही पठान को टाइगर ने बचा लिया हो, लेकिन माइंड इट, पंड्या स्टोर के अंदर एक और टाइगर आया है। और ये वो टाइगर है जिससे मिलने के लिए बच्चे बेताब हैं। इतने बेताब हैं कि वो खुद शेर के सामने शेर बनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हम जो बच्चे हैं उनको अब टाइगर देखना, और टाइगर आ चुका है सोमनाथ में, तो हमारी विश रहती है कि हमें टाइगर देखना है, टाइगर देखना है। तो इसी का इससे प्रेरणा दीदी कहती है हमें कि अगर आपको टाइगर देखना है ना, तो आप खुद टाइगर बन जाओ, तो टाइगर आपको खाएगा भी नहीं और टाइगर भी देख सकते हो। वैसे मेरे को लगता नहीं क्योंकि मैं बब्बर शेर हूँ ना, इसलिए। मिट्टू आप भी बब्बर शेर हो? हाँ। मिट्टू का डायलॉग सिर्फ इतना ही होगा, हाँ, क्योंकि ये रानव शेर है। ओह माय गॉड, मैंने बहुत एंजॉय किया इनके साथ। मेरा सीन इनके साथ में ऐसा होता है कि मैं ज़्यादा थक जाती हूँ क्योंकि इनकी एनर्जी मैच करते करते मेरी बैंड बच जाती है। बट बच्चों के साथ परफॉर्म करने में बहुत मज़ा आता है, ये सारे कितने क्यूट क्यूट बच्चे हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सोमनाथ में एक शेर आया है और उस शेर को देखने के लिए पंड्या स्टोर के सारे बच्चे बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। और कनाडा से क्रिश के साथ जो मोहतरमा आई हैं, वो पंड्या स्टोर के हर एक शख्स का दिल जीतने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और ये बात तो आप सभी को पता है, अगर एक बार बच्चों का दिल जीत लिया तो उनके पेरेंट्स का दिल जीतने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और इसीलिए इन्होंने दिया बच्चों को ये झांसा कि अगर बच्चे इनकी हर बात मानेंगे तो फिर ये बच्चों को शेर दिखाने यानी कि टाइगर दिखाने लेकर जाएंगी। आप सब मुझसे प्रॉमिस करो कि मैंने जैसा जैसा आप सबको बताया ना, आप सब बिल्कुल वैसा वैसा करोगे, ओके? अगर आप सबने वैसा वैसा किया ना, तो मैं आप सबको घुमाने ले जाऊंगी और पार्टी भी दूंगी। पार्टी? यस। ये हां, पर पहले प्रॉमिस प्रॉमिस प्रॉमिस। और आप हमें सच्चे वाला टाइगर भी दिखाओगे ना? एकदम प्रॉमिस प्रॉमिस दिखाओ, पर आप सब पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। लेकिन एक बात तो है, क्रिश की इस नई सहेली के आने के बाद घर का माहौल थोड़ा सा टेंस्ड हो चुका है। कहीं कहीं पर आपको जलन नजर आएगी। क्रिश, क्या हो? तो धनाबाबा जैसे बनना चाहती थी ना? चाहती थी, पर आपको मुझे भूल जाए तो बेहतर। तो कहीं पर माहौल में थोड़ी सी उदासी नजर आएगी, लेकिन दोस्तों तभी तो ट्विस्ट आएगा, क्योंकि पंड्या स्टोर में अगर पंड्या स्टोर ही दाव पर नहीं लगेगा तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी।